सो हे गाइस, कैसे हो यार आप लोग। आ चुका हूं एक न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ और आज मैं अगेन खेल रहा हूं तो रैंडम्स के साथ में। और ये वाले गेम प्ले में तुम्हारे भाई ने कत्ता इत्ता हल्का मचा दिया पूरी लॉबी में। मतलब अकेले 29 किल कर डाले, मतलब बहुत मजा आ गया था भाई ये वाले गेम प्ले में। तुम जरूर देखना पूरा फुल। फिलहाल बात करते हैं गेम प्ले के स्टार्टिंग की। अब देखो, वैसे जो आपने एक क्लिप देखा गेम प्ले के स्टार्टिंग में, मैंने एक बंदे को भाई भर दिया था गोलियों से, बट फिर भी मैं जाकर नॉक हुआ था। भाई मेरे को कोई वो चीज़ समझाएगा वो बंदे को डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा था और उल्टा मैं यहाँ पे नॉक कैसे हो गया? कोई मुझे कमेंट में जाकर भाई बताओ इसके बारे में, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अब देखो यार, बात करते हैं ये वाले गेम प्ले की। भाई इस वाले गेम प्ले की शुरुआत होती है बॉटों से। अब यहाँ बंदे तो नहीं उतरे होते, लेकिन हाँ जितने बॉल्ट आए थे मैं बॉल्ट को सबको फिनिश कर दिया था और यहाँ पे लूट कर ही रहा होता हूँ। लेकिन अचानक भाई फायर होना कहीं से स्टार्ट होता है और मैं समझ जाता हूँ यहाँ पे दो स्क्वाड है। अब यहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और ट्राई करता हूँ यहाँ से जितनी हो सके उतने बंदे को नॉक करके किल वगैरह निकालने का। बट देखो यार, ये बहुत दूर है और यहाँ से अगर मैं नॉक करूँगा भी ना तो बंदे जाके रिवाइव हो जाएंगे। बट फिर भी यहाँ पे मैं अपना लक इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर बंदे नॉक हो जाए तो उसको फिनिश करके मैं अपना किल वगैरह सिक्योर कर लूँ। बट यार ऐसा कुछ नहीं होता तो मेरे को रश ही करना पड़ता है। लेकिन इतने में मालूम चलता है मेरी टीममेट के पास एक फ्लेयर होती है जो कि उसने चला दी है, तो उसको भी लूटेंगे। लेकिन जो फिलहाल सामने बंदों की फाइट हो रही है ना, पहले उसके मजे लेते हैं। अब यहां पे मेरे से भाई जितने बंदे नॉक वगैरह हो रहे थे मैं सबको यहां से नॉक वगैरह कर डाल रहा था, सीधा रश कर रहा था। अब फिलहाल तो इस बंदे के अलावा यहाँ पे कोई नहीं मिलता मुझे, तो यहाँ पे मैं आराम से लूट वगैरह करता हूँ, फिर डासिया लेकर जा रहा होता हूँ फ्लेयर ड्रॉप को लूटने के लिए। लेकिन अचानक मुझे एक बंदा स्पॉट होता है और भाई ये बॉट तो बिल्कुल ही नहीं था। भाई को डैमेज दिया था, वो चला गया कवर में, तो जाते रश करने उस पर। अब देखो यहां से अगर मैं बंदे को मारूंगा ना, बंदा तो नहीं मरेगा लेकिन हाँ गोलियां जरूर वेस्ट होने वाली है। तो यहां से मैं सीधा चल जाता हूँ पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि भाई देखो पहाड़ी से एक ऐसा एंगल मिलेगा ना, बंदा कहीं भी लेटेगा मुझे साफ साफ दिखेगा। और एग्जैक्ट वैसा ही होता है, तुम खुद देखो। वैसे भाई छुपने का बहुत कोशिश किया था लेकिन दिख रहा था, भाई को फिनिश कर दिया। अब सच बोलूं भाई, बिना ग्रिप के स्प्रे मारना M4 से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन जो भी था भाई को फिनिश कर दिया था। एक बॉल्ट मिला, मैं बॉल्ट को भी फिनिश कर दिया और उसके बाद यहां से निकल कर जा रहा था रोजॉक, लेकिन इतने में मालूम चलता है रिकॉलिंग टावर पे बंदे हैं। तो फिर क्या था, हम लोगों ने गाड़ी घुसा दी। अब जो यहां पे बंदा होता है वो अपने टीममेट को रिकॉल कर लेता है, तो देखो कैसे निपटाते हैं सबको। अब यहां पे सच बताऊंगा, मुझे लगा था सब खत्म हो गया, कोई नहीं बचा है, लेकिन अचानक एनर्जी ड्रिंक लगाने की आवाज आती है और मुझे पता चल गया भाई यहां पे और कोई भी है। भाई की डेडिकेशन लेवल देख रहे हो कैंपिंग की, कतई गजब है।
फिलहाल भाई को फिनिश कर दिया था, थोड़ा लूटा इनको, और फिर यहाँ सब लोग निकल के गए स्कूल का रिकॉलिंग टावर चेक करने, बंदे वगैरह है कि नहीं, बट वहाँ कोई नहीं होता, तो यहाँ सब लोग निकल के जा रहे होते पोचंकी का रिकॉलिंग टावर बंदे चेक करने। लेकिन इतने में खबर मिलती है स्कूल में बंदे हैं जो कि भसड़ मचाए पड़े हैं, तो जाते हैं उनकी भसड़ खत्म करने। और भाई इस बंदे के साथ बहुत गलत स्कैम हुआ है, तुम खुद देखो। अब ये बेचारा यहाँ पे अपना कार 98 का मिशन पूरा कर रहा होता है बॉल्ट को फिनिश करके, लेकिन बॉल्ट का भी किल मैं चोरी कर लेता हूँ, साथ ही साथ इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। फिलहाल उसको फिनिश करने के बाद मैं आया रिकॉलिंग टावर चेक करने पोचंकी का, और भाई यहाँ पे ढेर सारे बंदे मिलते हैं, तुम बस देखते जाओ। भाई ओम चली मेरे पे। अब देखो पहाड़ी पे एक बंदा होता है जिसके पास में ओम होती है, वो वहां से ट्राई कर रहा होता है मेरा किल वगैरह चोरी करने का, तो यहाँ पे मैं अपना किल सिक्योर कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मेरा टीममेट नॉक हो गया है, तो भाई चाहते हैं पहले कंधे पे उसको उठा के लेके आते हैं बचाने के लिए। अब यहाँ पे मैं AWM वाले को नॉक कर डालता हूँ, और ये बात यहाँ पे मुझे अच्छे से मालूम थी, ये बंदा नॉक हुआ है तो इसका टीममेट आसपास ही होगा उसको रिवाइव करने के लिए, तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई तुम जितना फायर कर सकते हो सामने फायर करो, मैं डासिया लेकर रश कर रहा हूँ दूसरे साइड से, और जा तुम देखो भाई क्या मारा है उसके टीममेट को। भाई सच बताऊंगा मुझे भी नहीं पता ये बंदा कैसे यहाँ पे मरा, लेकिन भाई को फिनिश कर दिया था। अब यार देखो उसको फिनिश करने के बाद यहाँ मैं लूट वगैरह कर ही रहा होता हूँ, लेकिन अचानक एक बंदा कहीं से निकलता है और भाई मेरे पे फायर कर देता है DP से। अब यहाँ पे मेरी AWM में लगी पड़ी थी 4X, जो कि मैं नॉर्मली यूज करता हूँ 4X को स्प्रे के लिए, लेकिन भाई किस्मत खराब थी तो आज स्नाइपर के लिए भी यूज करना पड़ रहा था इसको, और बहुत दिक्कत हो रही थी। फिलहाल उस वाले बंदे को मेरा टीममेट फिनिश कर देता है, लेकिन हाँ चर्च पे एक बंदा आ जाता है जो कि मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। और इस बंदे को यहाँ पे मैं नॉक कर डालता हूँ, सीधा रश कर देता हूँ उसके ऊपर। अब यहाँ पे मैं अपनी USO की ये चेक कर रहा होता हूँ कि भाई बंदा वगैरह आसपास है क्या इसका, लेकिन वैसे तो यहाँ पे कोई नहीं होता, और ये बेचारा भी वैसे हिम्मत हार गया था, लूट वगैरह ड्रॉप करने लगा था। फिलहाल उसको फिनिश करने के बाद हम लोग आते हैं गट का चेक करने बंदों को, लेकिन अचानक एक बंदा दिखता है ओपन में खड़ा। भाई किस्मत देख रहे हो बंदे का, मतलब एकदम से ही लेट गया। फिलहाल वो बंदा चल जाता है घर के साइड छिपने के लिए, और भाई मैं उस बंदे के पीछे लग जाता हूं। अब जो बंदा सामने होता है वो यार पेड़ के पास आके छिपने लगता है, और भाई उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, बस तुम देखते जाओ। अब ये बेचारा जैसे पेड़ पे जाकर छिपा था, मैंने वहां पे मॉली डाल दी थी, और ये बात मुझे अच्छे से मालूम थी भाई की जलेगी तो वहां से भागेगा, अब ऐसा ही करता है, तो भाई को यहाँ पे आराम से फिनिश कर देते हैं, थोड़ा लूटते हैं, और यहाँ से मैं निकल ही रहा होता हूँ, लेकिन अचानक मुझे दूर कहीं से गाड़ी आती दिखती है, और इसमें दो बंदे थे। अब इन बग्गी वालों को फिनिश करने में भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, तो आराम से जाते इसको लूटने के लिए, लेकिन अचानक एक बंदा निकलता है यूजी लेके, और हम लोग तीनों को देखो भाई कैसे डरे पड़े हैं इस यूजी वाले के चक्कर में।
अब सच बताओ, यहाँ से मैं उछल उछल के चेक कर रहा होता हूँ कि जो यूजी वाला बंदा है भाई मार रहा है कहाँ से, लेकिन क्योंकि दिख नहीं रहा होता है वो, लेकिन अचानक मेरा टीममेट बम फोड़ता है और वो बंदा यहाँ पे नॉक हो जाता है। तो मैं टीममेट जाता हूँ उसको फिनिश करने के लिए, और फिलहाल यहाँ हम लोग को कोई नहीं मिलता, लेकिन हाँ दूर हम लोग को एक डासिया दिखी थी, हम लोग आए डासिया लेने क्योंकि हमारी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अचानक सामने से भाई फायर होता है और मेरा टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है और साथ ही साथ फिनिश भी हो जाता है। फिलहाल अपने टीममेट को तो बचा तो पाए नहीं थे हम लोग, लेकिन हाँ जिस बंदे ने उसको फिनिश किया था मुझे उसकी किल चाहिए थी। भाई एक बार बच गए, कितनी बार बचोगे? फिलहाल भाई को फिनिश कर दिया था, थोड़ा लूटा उसको, और हम लोग के अलावा बस 6 बंदे और बच रहे हैं जिनको हम लोग को खोज के मारना है, और उनमें से एक सामने था। अब इन भाई को यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ सामने इसका टीममेट भी दिखता है और उसको भी यहाँ पे मैं नॉक कर डालता हूँ। अब देखो ये बंदा भी नॉक हुआ था तो चांसेस है इसके टीममेट अगल बगल ही होंगे, तो जल्दी से भाई को फिनिश कर डालते हैं। अब इस भाई को यहाँ पे मैं जैसे फिनिश करता हूँ खबर मिलती है टीममेट नॉक हो गया, वो लगे हाथों फिनिश भी हो गया है और वो जोन के बाहर जाकर फिनिश हुआ है, तो उसका मतलब जो बंदों ने मेरे टीममेट को फिनिश किया है उनको जोन आना होगा, तो देखते हैं भाई उनको भी। अब वैसे तो ये बंदे जोन आ रहे होते हैं, लेकिन एक को यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ और दूसरे को भाई जोन ने मेरा किल वैसे चोरी कर लिया, ये गलत बात है, मैं कंप्लेन करूँगा जाके BGMI वालों से। अब जो भी था भाई हम लोग के अलावा 2 बंदे बचे हुए थे, और सच बताओ भाई बंदे कहीं भी हो सकते थे, लेकिन मेरे टीममेट को एक बंदा दिख जाता है वो उसको नॉक कर डालता है और मेरा काम था उसको फिनिश करना। अब मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। अब देखो हम लोग के अलावा बस एक बंदा बचा हुआ है, उसको भाई खोजने में बहुत दिक्कत होती है, और जहाँ तुम देखो वो कहाँ से निकलेगा। भाई यहाँ लेटा होता है फिलहाल एक इजी सा चिकन डिनर। और गाइस आज की वीडियो में बस इतना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो मेरे भाई जाके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और गाइस आज का लाइक है मैं बस एक लाइक का, तो होप सो आप लोग कंप्लीट करवाई दोगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।